और इसी बीच में एक बड़ी अपडेट हमें मिल रही है, लखीमपुर खीरी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। ये बड़ी अपडेट दिल्ली से हमें मिल रही है, सुनवाई शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। जांच पर नाखुशी जाहिर की थी पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने, और अभी तक की कार्रवाई से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। आज की तारीख मुकर्रर थी, कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत को पिछली बार बताया गया था कि पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, लेकिन कोर्ट संतुष्ट नहीं था। अब देखना यह दिलचस्प है कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। अगर आज भी पुलिस की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं रहता है तो किसी और जांच एजेंसी को सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए आज की सुनवाई बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नाखुशी जाहिर की थी। कोर्ट की टिप्पणी थी कि हमें जिम्मेदार पुलिस और जिम्मेदार सरकार चाहिए। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट। सुनवाई शुरू हो गई है लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी अपडेट इस वक्त हमें दिल्ली से मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जाहिर की थी और कहा गया था कि सारे सबूत सुरक्षित रखे जाएं। अविनाश तिवारी के पास चलेंगे, हमारे संवाददाता वहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, इस वक्त जुड़े हुए हैं। अविनाश, सुनवाई शुरू कैसे हुई है ये बताएं दर्शकों को। देखिए, अगर बात करें राजेंद्र, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई चल रही है, जिसमें अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे ने कहा है कि इस मैटर को कल या परसों के लिए ले जाया जाए, जिससे कि वो और भी इसके बारे में तफसील से जानकारी दे सके। लेकिन अगर बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर मना कर दिया, वो कहें कि मामले की सुनवाई आज ही होगी और इसी वक्त होगी, इसको कल या परसों के लिए नहीं टाला जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण अपने आप में बात है, और अभी भी दलीलें रखने का प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, जिनकी तरफ से अगर बात करें तो वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे दलीलें रख रहे हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के वकील शायद तैयारी के साथ नहीं आए, तो उन्होंने शायद इसके लिए वक्त मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वक्त नहीं दिया जाएगा। अभी का मतलब अभी ही सुनवाई होगी और जो भी दलील रखनी हो अभी दलील रखी जाए। तो अब देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से क्या दलील रखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू हो गई है और अब महत्वपूर्ण ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से क्या जानकारी देती है, ये देखना होगा। अविनाश, ये भी स्पष्ट करें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा था जिसके जवाब के लिए फिर से वक्त मांगा जा रहा था। देखिए, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा था कि अब तक इस बारे में क्या प्रगति हुई है, किस तरीके से कार्यवाही हुई है, FIR में जिन जिन लोगों का नाम है उनमें से कौन कौन से लोग अरेस्ट हुए हैं और क्या समुचित कार्यवाही की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, ये पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। और शायद यही वजह है कि हरीश सालवे जब आज पेश हुए तो वो कल का वक्त चाह रहे थे या परसों का वक्त चाह रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर कह दिया कि मामले की सुनवाई आज ही होगी और आज ही इस पूरे मामले में जो है उत्तर प्रदेश सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश इस जानकारी के लिए। और एक बड़ी अपडेट हमें कानपुर से भी मिल रही है।